देखिए, उसने शुरुआत से ही कहा, क्योंकि उस सुबह पार्लियामेंट के अंदर जाने के पहले उसने बताया था कि ये चूक हुई, मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, मैं तुरंत मान लेना चाहता हूँ, मैं ऐसे कोई बुरी नीयत नहीं थी हमारी तरफ से, नो बैड इंटेंशन, लेकिन उनको देने बोलने का मौका भी नहीं दिया। आपको पता है कि जब हम क्वेश्चन आवर की शुरुआत में कोई भी मौका मांगते हैं स्पीकर से बात करने के लिए, स्पीकर बोलते हैं बैठिए बैठिए, आपको जीरो आवर में मौका मिल जाएगा। लेकिन जब स्मृति जी उठ के बोलने लगे, कोई रुका नहीं उनको, 10 मिनट तक चलते रही और सारे को अटैक करके, हमला करके, क्या क्या बोल रही थी वो। तो हमें तो अजीब सा लगा कि इसको ये मौका देते, ये मौका देने के बाद कम से कम जिसका नाम लिया होता उसका तो जवाब देने का मौका दे दो, उनको भी जवाब नहीं मिला। तो हम खुश नहीं है जो कुछ हुआ है। और दो बार उसके बाद अधीर ने कोशिश किया जवाब देने को, दो बार उनको मौका नहीं दिया, उनका माइक का ऑन नहीं किया। तो अंत में हम क्या बोल सकते हैं, वैसे भी वो तो माध्यमों से बताया है कि मैं ये जानबूझ के नहीं किया था। तो मेरे ख्याल में इस विषय को अभी सब छोड़ना चाहिए। आपको अच्छी तरह मालूम है कि इसमें ना बड़ी कोई विषय है, ना कोई क्या कहूँ भ्रष्टाचार की बात है या कुछ सरकारी गलतियों की बात, कुछ नहीं है। एक व्यक्ति ने जिसकी हिंदी शायद मेरे जैसे है, वो शायद कुछ गलती की, बस ठीक है यार, मान लो भी, चलो आगे, देश में इससे बहुत बहुत बड़ी समस्या है।